हे ब्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज के वीडियो में अगेन आई एम हियर विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जी यस, जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी टाइटल में पढ़ लिया होगा, आज के वीडियो में ना मैं आपको काफ़ी सारे परफ्यूम हैक्स एंड टिप्स शेयर करने वाली हूँ। जी यस, ऐसे हैक्स एंड टिप्स जो आपके परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग बनाएंगे। अगर आप बहुत सारे परफ्यूम से रिलेटेड मिस्टेक कर रहे हैं तो वो करना अवॉइड कर देंगे। तो यहाँ पे ये सारे हैक्स एंड टिप्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो कि आपके परफ्यूम अप्लाई करने के तरीके को ना बिल्कुल चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। तो फिर चलिए बिना लेट के इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। सो ब्यूटीज़, यहाँ पे ना मैं आपको परफ्यूम से रिलेटेड काफ़ी सारे हैक्स एंड टिप्स शेयर करने वाली हूँ। जी यस, इफ़ यू नो कि परफ्यूम ना हमारी डेली लाइफ में काफ़ी यूज़फुल थिंग है, तो यहाँ पे मैं काफ़ी सारी ऐसी मिस्टेक्स करती थी परफ्यूम को लेके, जो कि मुझे लगता है आप भी करते होंगे। तो यहाँ पे मैं हैक्स एंड टिप्स शेयर करूँगी। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं आखिर यहाँ आजकल कौन सा परफ्यूम यूज़ करती हूँ। दैट इज़ फ्रॉम ममाअर्थ। नो गाइस, ममाअर्थ इज़ वेरी वेल नोन ब्रांड। ये यहाँ पे इंडियन ब्रांड है एंड काफ़ी फेमस प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड भी है। इनके सारे प्रोडक्ट्स जो है वो केमिकल फ्री होते हैं एंड आई जस्ट लव यूजिंग ममाअर्थ। एंड सिर्फ यही नहीं ब्यूटीज, ममाअर्थ ऑलवेज लिसन टू यू। ममाअर्थ ने अपने अनियन शैम्पू को काफ़ी इम्प्रूव किया है बिकॉज ऑफ योर फीडबैक, योर इनपुट्स। हमेशा ट्राई करते रहते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट और भी इनोवेटिव हो सके और भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सके तो उसे चेंज कर सके। सो ऑलवेज शेयर योर फीडबैक। ममाअर्थ के और भी नेचर इंस्पायर्ड काफी सारे परफ्यूम्स अवेलेबल हैं, बट मेरे पास तो इनके फिलहाल दो वेरिएंट्स हैं। फर्स्ट इज ममाअर्थ इनटू द सनसेट एंड सेकंड इज ममाअर्थ इनटू द वैले। फिलहाल मैं इन द वैले यूज कर रही हूँ, जो कि आई जस्ट लव यूजिंग इट। व्हाई आई लव दिस परफ्यूम, दिस इज इंस्पायर्ड बाय नेचर। बहुत सारे परफ्यूम्स ऐसे होते हैं जिसको यूज करते ही ना सर में पेन होने लगता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस परफ्यूम इज वेरी सॉफ्ट एंड वेरी रिलैक्सिंग एंड इंस्पायर्ड टू नेचर। क्या होता है, हम अपनी डेली लाइफ में ना नेचर को काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। कभी कभार मुझे ऐसा फील होता है ना कि मैं कहीं शांति से जाके नेचर में बैठूं, उस मोमेंट को एंजॉय करूं। तो जब मैं इस परफ्यूम को यूज़ करती हूँ तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बिल्कुल उस नेचर में ही पहुँच जाती हूँ। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा ये जो परफ्यूम है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, मेड सेफ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। तो ब्यूटीज़, यहाँ पे आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं। दिस कम्स विथ वेरी लग्जरी पैकेजिंग। ये है यहाँ पे ममाअर्थ की आउटर पैकेजिंग एंड दिस वन इज़ अ इनर पैकेजिंग। दिस वन इज़ माई फेवरेट वन, जो कि पिंक है, विच इज़ ममाअर्थ इन टू द वैले एंड सेकेंड इज़ ममाअर्थ इन टू द सनसेट। कैन यू सी हाउ लग्जरी पैकेजिंग इज दिस। यहाँ पे 100 ml की बॉटल है एंड दिस इज़ वेरी प्रीमियम सेंट। मतलब जब आप इसको अप्लाई करेंगे ना, दिस इज़ वेरी सूथिंग। मैंने जैसे कि बताया, बिल्कुल आपको अप्लाई करते ही बिल्कुल नेचर वाली वाइब्स आ जाती है। एंड साथ के साथ इसकी प्राइस इज़ वेरी डिलाइटफुल। जी यस, आपको यहाँ पे इसकी MRP मिल जाती है ओनली 899 rupees। सो मेरे अकॉर्डिंग, इफ़ यू आर परफ्यूम गर्ल, यू मस्ट ट्राई दिस एंड स्केप इन टू नेचर। आई जस्ट लव दिस नेचर इंस्पायर्ड परफ्यूम, जो कि मुझे मेरी डेली लाइफ में नहीं मिल पाता है। वो नेचर में बैठ के वो शांति और रिलैक्स फील करना, वो मुझे इस परफ्यूम को अप्लाई करने के बाद ज़रूर मिल जाता है। तो ब्यूटीज़, यहाँ पे ये परफ्यूम आपको अवेलेबल हो जाता है अमेजन पे, नायका पे, फ्लिपकार्ट पे, ममाअर्थ की ओन वेबसाइट पे एंड यस ममाअर्थ ऐप पे। एंड यस, सिर्फ यही नहीं, आज के ये प्रोडक्ट्स आपको आपके नियर स्टोर पे भी दिखते होंगे। अगर आपने हाल फिलहाल में कहीं पे नियर स्टोर पे ममाअर्थ के प्रोडक्ट्स को देखा है तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। सिर्फ यही नहीं, अगर आप बाय कर रहे हैं ममाअर्थ के प्रोडक्ट्स को फ्रॉम ममाअर्थ ऐप और वेबसाइट, तो आप यूज़ कर सकते हैं मेरा कूपन कोड, जो कि है टिपटॉप 2024, जिससे आपको फ्लैट 20% ऑफ मिल जाता है। सो यहाँ पे हो गई ये परफ्यूम की बात, कि मैं यहाँ पे कौन सा परफ्यूम यूज़ करती हूँ और मुझे ये परफ्यूम आखिर इतना पसंद क्यों है। अब हम चलते हैं यहाँ पे मेन पॉइंट पे, जो कि था यहाँ पे परफ्यूम हैक्स। सो ब्यूटी, सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग क्या होता है परफ्यूम उठाते हैं, इफ़ आई एम टेलिंग यू, ऐसे ऐसे करके पूरे बॉडी पे अप्लाई कर लेते हैं। दिस इज़ नॉट डिओड्रेंट गाइज, दिस इज़ परफ्यूम। एंड परफ्यूम को आपको हमेशा आपके बॉडी के पल्सेस पे यूज़ करना चाहिए। लेट मी शेयर यू द पॉइंट्स जहाँ पे आपको हमेशा परफ्यूम यूज़ करना चाहिए। दिस इज़ द पॉइंट, दिस इज़ द पॉइंट, ईयर्स के पीछे,
नेक पे। इसके साथ इफ यू वॉन्ट टू यूज ऑन योर लेग्स तो आप यूज कर सकते हैं अपने नी के पीछे एंड यस एंकल्स के पास। जी यस, दीज आर द पॉइंट्स जहां पे आपको परफ्यूम को यूज करना है। एंड हमेशा परफ्यूम को ना थोड़े डिस्टेंस से यूज करना चाहिए। नेवर ट्राई टू यूज कि बस यहाँ पे रखा और यूज कर लिया। ऑलवेज कीप सम डिस्टेंस सो दैट आपका परफ्यूम अच्छे से स्प्रेड हो और अच्छे से ड्राई हो, सो दैट वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। इसके बाद चलते हैं टिप नंबर 2 पे, नेवर यूज परफ्यूम ऑन योर क्लोथ्स। जी एस, अगर आप परफ्यूम को सोचते हैं कि मैं क्लोथ्स पे यूज कर ले रही हूँ ये काफी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, देन इट्स बिग मिस्टेक। ऑलवेज यूज परफ्यूम ऑन योर बॉडी। बॉडी पे जब आप यूज करते हैं तो आपका परफ्यूम काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो ब्यूटीज अनदर टिप, कभी भी परफ्यूम को स्प्रे करने के बाद रब नहीं करना है। जी एस, नेवर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, परफ्यूम यूज किया ऐसे ऐसे रब कर दिया। डोंट डू दिस, ये बिल्कुल गलत तरीका है। फ्रेंकली स्पीकिंग पहले मैं भी ये करती थी, बट स्लोली आई अंडरस्टैंड दिस इज नॉट द गुड वे। परफ्यूम को आपको बस स्प्रे करना है एंड लेट इट ड्राई। अगर आप उसे रब कर रहे हैं तो वो और जल्दी से ड्राई होता है एंड जो उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है ना वो भी यहाँ पे लूज होने लगता है। नेक्स्ट स्टेप, इफ यू वॉन्ट कि आप काफ़ी लंबे टाइम तक बहुत अच्छे फ्रेग्रेंस के साथ रहे, देन यू कैन यूज़ परफ्यूम ऑन योर हेयर टू। जी एस, उसके लिए आपको लेना है अपना हेयर ब्रश, अपना हेयर कॉम, उस पर हल्का सा परफ्यूम ऐड करना है, देन कॉम योर हेयर एंड आपके बाल भी बिल्कुल आपकी तरह अच्छा अच्छा स्मेल करते हैं। बट गाइज, ये काम आपको हमेशा नहीं करना। इफ़ यू लाइक टू यूज़ परफ्यूम ऑन डेली बेसिस देन डोंट डू दिस। इससे हो सकता है आपके हेयर जो है वो हार्म भी हो। यू कैन यूज़ दिस इन ओकेजनली, जैसे कि आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं, कहीं शादी में जा रहे हैं, देन यू कैन ट्राई दिस हैक। ब्यूटीज, यहाँ पे एक और टिप, इफ यू वॉन्ट कि आपका परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहे, आप अपने हमेशा उन पॉइंट्स पे पेट्रोलियम जेली यूज़ कीजिए जहाँ पे आप परफ्यूम यूज़ करने वाले हैं। इफ़ यू डोंट हैव पेट्रोलियम जेली देन आप अपना रेगुलर मॉइस्चराइजर जो कि स्मेल फ्री हो, मतलब जिसमें कोई फ्रेग्रेंस ऐड नहीं हो, उसको यूज़ कर सकते हैं। देन आप उसके ऊपर अपने परफ्यूम को यूज़ कीजिए सो दैट आपका परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। यहाँ पे अनदर टिप, ऑलवेज यूज़ परफ्यूम आफ्टर बाथ। बाथ लेते ही आफ्टर 5 मिनट्स जब आपकी स्किन अच्छे से ड्राई हो जाती है उसके बाद परफ्यूम को यूज़ कीजिए। दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू यूज़ द परफ्यूम। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपकी स्किन ना सारी जो डर्ट गंदगी है वो हट जाती है, आपके पोर्स जो हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। उसके बाद जब आप परफ्यूम को यूज़ करते हैं तो वो आपकी स्किन में अच्छे से सेट होता है, ड्राई होता है, सो दैट इसके बाद ना आपका परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। सो ब्यूटीज़, यहाँ पे है अनदर टिप, कभी भी परफ्यूम को ऐसी वैसी जगह पे ना रखें जैसे कि वॉशरूम, फ्रिज, किचन, धूप में। ऑलवेज कीप योर परफ्यूम इन कूल एंड डार्क प्लेसेस। जी एस, सो दैट आपका परफ्यूम टाइम से पहले ख़राब ना हो। इफ़ यू यूज़ परफ्यूम्स ओकेजनली तो क्या होता है, हमारा परफ्यूम हमेशा उतना यूज़ नहीं होता है और हम चाहते हैं कि ये परफ्यूम एटलीस्ट अपने एक्सपायर तक तो चले ही, तो हमेशा परफ्यूम को कूल एंड डार्क प्लेसेस पे रखिए सो दैट आपका परफ्यूम जो है वो टाइम से पहले ख़राब ना हो और अच्छा एंड लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट दे। ये थे यहाँ पे ब्यूटीज काफी सारे हैक्स एंड टिप्स मेक योर परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मेरे और भी इन टाइप के टिप्स एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं मेरे और भी वीडियोज के साथ। टिल देन,